नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। त्वचा की देखभाल में आप न केवल अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी कोशिश यह रहती है कि आपकी त्वचा स्वस्थ और सुंदर बनी रहे। हालांकि हम अपनी त्वचा को नाजुक व कोमल बनाए रखने के लिए सभी जरूरी प्रयास करते ही हैं, लेकिन फिर भी हम कई चीजों को दरकिनार कर देते हैं। इसका खामियाजा हमारी त्वचा को भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो के जरिए कुछ ऐसी बातों को जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है, जिनमें सबसे पहला स्थान आता है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। हम सभी दिन में काफी वक्त मोबाइल पर बिताते हैं। इस बात से हम पूरी तरह से अनजान होते हैं कि यह एक्ने का एक कारण हो सकता है। यदि आपको अपने चेहरे के साइड में अधिक कालापन नजर आए तो यह इस बात का संकेत है कि आप मोबाइल फोन पर अधिक बात कर रहे हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और जब आप लंबे समय तक मोबाइल फोन पर बात करते हैं तो यही बैक्टीरिया पिंपल्स का कारण भी बन सकते हैं। इससे बचने का एक साधारण सा तरीका यह होता है कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को हमेशा साफ रखें, साथ ही आप बात करने के लिए हैंड फ्री का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है कॉफी का ज्यादा पीना। कॉफी आपको ऊर्जावान बना सकती है, लेकिन इससे आपकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। कॉफी का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपकी उम्र जल्दी बढ़ती है और उस पर झुर्रियां भी पड़ने लगती है। दिन में लगभग 2 कप कॉफी पीना तो ठीक है, लेकिन जब आप इससे ज्यादा मात्रा में कॉफी पीते हैं तो एजिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। क्लोरीन भी एक ऐसा तत्व होता है जो आपकी खूबसूरती को बर्बाद कर सकता है, जो कि अक्सर आपको स्विमिंग पूल में पाया जाता है। तैराकी आपको फिट रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन आपकी त्वचा के लिए वह अच्छा नहीं है। स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए उसमें क्लोरीन को मिलाया जाता है, लेकिन यह क्लोरीन आपकी त्वचा को रूखा बना सकता है। क्लोरीन आपकी त्वचा से प्राकृतिक नमी चुरा लेता है, जिससे आपकी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। यहाँ तक कि शॉवर से नहाने के बाद भी क्लोरीन आपकी त्वचा से पूरी तरह से नहीं हटता है। तो अपनी त्वचा से क्लोरीन को हटाने के लिए आपको अच्छे बॉडी वॉश और स्क्रबर की जरूरत होती है। तो अगली बार जब भी आप स्विमिंग पूल में जाएं, तो उसके बाद आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। नियमित रूप से स्पा लेना त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे आपकी त्वचा अपना कुदरती लचीलापन खो देती है। यदि आपको रोजाना स्पा में जाना पसंद है तो आप अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको कभी भी अपने पिंपल्स को नहीं फोड़ना चाहिए। आपको अक्सर यह लगता होगा कि पिंपल को फोड़ना उससे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका होता है, लेकिन ऐसा करके आप अपनी त्वचा को नुकसान ही पहुँचाते हैं। जब आप एक पिंपल को फोड़ते हैं तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया और गंदगी त्वचा के रोम छिद्रों में गहरी समा जाती है, जिससे एक स्थायी निशान छूट जाता है और तो और इसमें अन्य पिंपल्स भी निकलने की आशंकाएं बढ़ जाती है। तो अगली बार जब आपके चेहरे पर पिंपल्स हो जाए तो आप इसे फोड़िएगा नहीं, बल्कि घरेलू उत्पाद से उसे दूर करने का प्रयास कीजिएगा। अपनी त्वचा को नुकसान पहुंचाने में अगला स्थान आता है मेकअप का। यदि आप मेकअप उतारे बिना सो जाती हैं, तो इससे आपकी त्वचा को काफी नुकसान पहुंचता है। मेकअप आपकी त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर देता है, इससे सीबम ग्रंथियां सही आकार में सांस नहीं ले पाती हैं। इस कारण पिंपल और एक्ने की शिकायत हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप मेकअप के साथ सो जाती हैं तो इससे तकिया में बैक्टीरिया हो सकते हैं, और उसके पश्चात जब आप उस तकिए पर दोबारा सोती हैं तो उस बैक्टीरिया संक्रमण से आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से इन 6 आदतों के द्वारा, जिन्हें आप अनजाने में ही करते रहते हैं, आप अपनी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें, और इस जानकारी को अपने मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।